2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सबसे कम उम्र की सांसद बनी शांभवी चौधरी। सुनिए समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी आर की इस प्रत्याशी ने जीत दर्ज करने के बाद क्या कहा। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। सभी हमारे मीडिया के भाई बंधु, हम मानते हैं कि हम जिस दिन आए थे उस दिन से आप लोग सब हमारे साथ हैं, तो आप सबको भी धन्यवाद और सबको हम शुभकामनाएं देंगे। समस्तीपुर की तमाम जनता को हम शुभकामनाएं देंगे और हम बोलेंगे, ये इतना जरूर हम वादा करेंगे कि उन्होंने सही फैसला लिया है और उनकी हर उम्मीदों पे हम खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हम मानते हैं कि आप 5,000 से जीते, आप 10,000 से जीते, वो भी जीत ही होती है, पर समस्तीपुर ने हमें इतने बड़े मार्जिन से जीता है, तो ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं है। हम ये मानते हैं कि लोगों ने हमें अपने दिल में जगह दी है। जब हम आए थे तो हमने ये कहा था कि एक बेटी के रूप में आए हैं, बेटी वाला आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं, और हम आज ये कह सकते हैं कि समस्तीपुर ने हमें अपनी बेटी मान ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको अपनी बेटी माना था और उन्होंने किया था कि आशीर्वाद क्या कहिएगा। जो भी एक देखिए, मोदी जी जो है उनके नेतृत्व पे समस्तीपुर की जनता जितनी भी थी उनको एक अटूट विश्वास था, उनके नेतृत्व में समस्तीपुर आगे बढ़ना चाहता था, उनकी जनता उनके नेतृत्व में काम करना चाहती थी। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने भरोसा जताया है और लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी जो है वो बिहार में 100% स्ट्राइक रेट पे है, 5 में से 5 सीटें लाई है। तो ये बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि बिहार की जनता को चिराग भैया में भी एक बहुत पोटेंशियल लीडर दिखता है, उनके नेतृत्व में भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, जेडीयू में टूट है, लोक जनशक्ति पार्टी में टूट है, पर ये भी देखने का जरूरत है कि मात्र 5,000, 10,000, 20,000 या 25,000 वोट नहीं है, ये भारी आंकड़े हैं, लगभग 2,00,000 वोट है, तो ये किसी भी टूट से बढ़कर है। और सबने एकत्रित होकर के कह सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया कि समस्तीपुर से हेलीकॉप्टर जीते। सौभाग्य है मेरा कि सबसे कम उम्र की सांसद हम बने हैं और इतने भारी मतों से हम जीते हैं, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि ये सौभाग्य हमें समस्तीपुर की धरती से मिला है, जहाँ से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं, और हम चाहते हैं कि जो आशाएं और जो अपेक्षाएं यहाँ की जनता को हमारे से है और समस्तीपुर की धरती का जो मान और सम्मान है, हम उसके लिए हमेशा काम करें। और जिस तरह से समस्तीपुर को कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जाना जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जाना जाता है, उस धरती की हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उसकी सेवा करनी चाहिए पूरे दिल से लगन से, उस तरह से हम उसकी सेवा कर सकें।